जिन महोदय का नाम हम नहीं जानते हैं, आपसे निवेदन है, क्षमा प्रार्थी हैं हम आपसे। और साथ में हमारे बीच में डॉक्टर अमरनाथ बौद्ध गुलाम करोड़िया, लाल बस्ती में आयोजित किया गया है, आप मौजूद रहे हैं इतने नायाब कार्यक्रम में, क्या कहना है आपका? सर, मैं चंद्रमणि, रिटायर्ड चीफ मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आज इस सन गाड़िए और अरदास जयंती के प्रोग्राम में पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार हम पार्टिसिपेट किए, और इस पार्टिसिपेशन में हमारा सबसे बड़ा योगदान ये रहता कि हम जो बरसों से इस बहुजन समाज में बहुत सारी रूढ़वादियाँ और अंधविश्वास और गलत परंपराएं जो चली आ रही हैं, हम अपने महापुरुषों के विचारधाराओं के माध्यम से उसको जन जन तक पहुंचा करके, हम विशेष करके महिलाओं और जो शिक्षित नहीं हैं उनके बीच में ये मैसेज देते हैं, ये संदेश देते हैं कि आप महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़िए, उनके विचारों को फॉलो करिए, उनके चित्रों को अपने घर में लगाएं, और जो काल्पनिक चीज़ों, काल्पनिक देवी देवताओं जिनका कोई सर पैर नहीं है, उनको आप अपने विचारों से अलग करें। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया और काफ़ी संख्या में लोग आए, और हमारे जो वक्ता बाहर से आए थे या जिले के थे उनको धैर्यपूर्वक सुना, और इसके लिए वो लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे कार्य मेन उद्देश्य इसका यही है कि हम समाज को जागरूक करें और ये रूढ़िवादी परंपराओं से लोग ऊपर उठ करके और अपने देश को, समाज को आगे बढ़ाएं और लोगों को शिक्षित करें, जागरूक करें, ताकि हम अपने अधिकारों को समझ सकें कि हमें क्या अधिकार है, हम कैसे अपनी लड़ाई लड़नी है। इसके लिए लोगों को यहाँ पर जो भी वक्ता है उन्होंने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया, और इससे निश्चित है कि लोग लाभान्वित हुए होंगे। और हम ये जो है जो मिशन है बाबा साहब का, मान्यवर काशीराम जी का, और संत गाड़गे महाराज बाबा का, संत रविदास जी का, जो भी आदर्श और नीतियां हैं इनकी, उसको लागू करने में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, और ये हमारा प्रयास है। क्या मेरा परिचय, मेरा शिव पूजन, मैं PCS अधिकारी, अपर आयुक्त प्रशासन, अयोध्या मंडल, सेवा नहीं। थैंक यू।